बड़ी बड़ी कॉफ होगी वहीं बैठ रहे हैं होटल में। पहले उन्होंने कहा कि हो जाएगा, बाद में उन्होंने कहा कि आज नहीं होगा, तो हम तो चुपचाप। अब क्या बताया गया आपको? कुछ नहीं, उन्होंने कहा समय पूरा हो गया। हमें ये हम लोगों के साथ तो ये इस तरह के जो खेल हैं बहुत दिनों से चल रहे हैं। मुझे तो ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि सरकार के लोग जो है यहाँ के प्रशासन को दबाव में लेके मेरा परचय कैंसिल करा। जी हाँ, तो ये है आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, जो इन दिनों नगीना से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद के साथ बिजनौर में ऐसा कुछ हो गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की और उनके आज नामांकन के काफिले की। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी तक। तो हुआ ये कि आज चंद्रशेखर आजाद अपने लाल लश्कर और समर्थकों के साथ बिजनौर के कलेक्ट्रेट में जो है नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे। अब यहां चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ तो पहुंचे हुए थे, लेकिन नामांकन पत्र दाखिल ही नहीं कर पाए। लेकिन क्यों? इस बात पर अधिकारियों की तरफ से दलील ये दी गई कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो थोड़ी देर से वहां पहुंचे और इस कारण से उनका नामांकन पत्र वहां पर नहीं लिया गया। दरअसल एक वीडियो भी सामने आया जब चंद्रशेखर आजाद कलेक्ट्रेट से निकलते वक्त काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और कलेक्ट्रेट से निकलते वक्त चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों पर ही भड़कते हुए नजर आ रहे थे। अब जहां चंद्रशेखर आजाद को नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने दिया गया तो इस बात पर चंद्रशेखर आजाद भड़क उठे। उनका कहना था कि उन्हें बताया गया था पहले कि आप नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, लेकिन बाद में कह दिया गया कि आप लेट हो गए। दरअसल मामला यह हुआ कि अधिकारियों की तरफ से कहना है कि वो 3 से 4 मिनट जो है चंद्रशेखर आजाद देरी से पहुंचे, जिसके कारण उनका नामांकन पत्र नहीं लिया गया। इस बात पर चंद्रशेखर आजाद ने भड़कते हुए कहा कि अधिकारी और सरकार की साजिश है कि वो चुनाव ना लड़ सकें, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। और तो और चंद्रशेखर आजाद ने ये तक आरोप लगा दिए कि हो सकता है उन्हें शंका है इस बात की कि उनका नामांकन पत्र आगे जो है वो कभी निरस्त भी ना कर दिया जाए, और अगर ऐसा हुआ तो चंद्रशेखर आजाद बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। चंद्रशेखर जी, अभी आप नामांकन दाखिल करने गए थे, क्या कारण रहा वापसी हो गई, नामांकन नहीं हो पाया? ठीक है सर, ऐसा है, हम तो अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं होती क्योंकि अब सरकारी तंत्र आप जानते हैं। तो पहले उन्होंने कहा कि हो जाएगा, बाद में उन्होंने कहा कि आज नहीं होगा, तो हम तो चुपचाप। अब क्या बताया गया आपको? कुछ नहीं, उन्होंने कहा समय पूरा हो गया। हमें ये हम लोगों के साथ तो ये इस तरह के जो खेल हैं बहुत दिनों से चल रहे हैं। मुझे तो ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि सरकार के लोग जो हैं यहाँ के प्रशासन को दबाव में लेके मेरा परचय कैंसिल करा दें, इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा मैं अकील हूँ और सारी चीज़ों को निगरानी रख रहा हूँ, अगर कोई भी छेड़खानी होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का हम काम करेंगे। मैं बस आपको आखिरी शब्दों में कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो इस क्षेत्र के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन पर किसी भी तरह के जुल्म जाति अन्याय हम होने नहीं देंगे, और जो धर्म और जाति के आधार पर अन्याय हो रहा है उसको राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मुखालफत करके लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे, भाईचारा बनाने का काम करेंगे। आज देश के संविधान खतरा है, ऐसे खतरे को जनता में जो भय है उस भय से निकालने के लिए विश्वास पैदा करने का काम आजाद समाज पार्टी भी मानी करे। तो फिलहाल चंद्रशेखर आजाद का नगीना में क्या होगा, कब नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए फिर एक बार चंद्रशेखर आजाद पहुंचेंगे, ये हम जो है आपको जरूर बताएंगे। बाकी ये खबर भेजी थी बिजनौर से हमारे सहयोगी संजीव कुमार शर्मा जी ने। बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।